दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं ब्रेन फॉर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने बहुत से खूबसूरत पौधे और इन पे लगने वाले फूल देखे होंगे और ये सब पानी से ग्रो करते हैं। लेकिन दुनिया में मौजूद ऐसे भी पौधे हैं जो इंसेक्ट्स को खा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे ही पौधों के बारे में बताऊंगा जो इंसेक्ट खाते होंगे। वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल ब्रेन इन्फो को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 1, रोसेरा। दोस्तों, एक यूरोपियन प्लांट है। इसकी तकरीबन दुनिया में 130 स्पीशीज होती हैं। ये पौधा अपने खूबसूरत फ्लावर और वाइट ग्लू नुमा पत्तों से आसानी से जाना जाता है। इसके फूल गर्मियों के मौसम में निकलते हैं, लेकिन ये पौधा शिकार अपने पत्तों के जरिए करता है। इसके पत्ते बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और इंसेक्ट इनके ऊपर आके बैठ जाती हैं। एक दफा जब कोई कीड़ा इसके ऊपर आके बैठता है तो ये पौधा ग्लू रिलीज करता है और ये कीड़ा इसके साथ चिपक जाता है। ये हर तरह के इंसेक्ट्स के लिए जानलेवा होता है, मक्खियां और फ्लाई इंसेक्ट्स। इसकी खुशबू की वजह से इसके पास एक दफा इस पे बैठने के बाद उड़ पाना नामुमकिन है। ये पौधा इस ग्लू की वजह से कीड़ों को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद इन्हें फोल्ड कर लेता है। इसके बाद इसका डाइजेस्टिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। इस पौधे की कुछ बड़ी नस्लें भी हैं जो मेंढकों का और बड़े कीड़ों का शिकार कर लेती हैं। ये पौधा वाकई में बहुत अजीब है ना दोस्तों। डायोनिया मिसपिला। दोस्तों, इस पौधे को फ्लाई ट्रैप भी कहा जाता है। ये दुनिया का ऐसा पौधा है जो उड़ती हुई मक्खियों को पकड़ सकता है। इवन इसे कोई भी इंसान अपनी खुली आंखों से देख सकता है। इसे देखने के लिए दोस्तों कोई स्लो मोशन कैमरे की भी जरूरत नहीं पड़ती। इस पौधे के पत्ते किसी मॉन्स्टर के मुंह की तरह होते हैं। जब भी इसके अंदर कोई जानदार जाता है तो ये इसे दबोच लेता है और इसे दोबारा बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। माहिरीन के मुताबिक इस पौधे का दिमाग भी होता है, क्योंकि यह पौधा जिंदा जानदारों और दूसरी चीजों में फर्क कर सकता है। अगर इसके मुंह में कोई ना हो तो ये हर आधे घंटे बाद अपना मुंह खोल लेता है। एक दफा किसी कीड़े को ये पकड़ के कई हफ्तों तक बंद रहता है और उसे डाइजेस्ट करता रहता है। दोस्तों, मजे की बात यह है कि आप इस पौधे को किसी फ्लावर शॉप की दुकान से भी खरीद सकते हैं। अगर आपके घर में मक्खियां बहुत ज्यादा हैं, तो ये पौधा इनसे छुटकारा पाने के लिए बेस्ट रहेगा। सेरासिनिया। दोस्तों, अनयूजुअल और अट्रैक्टिव दिखने वाला ये पौधा नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ये पौधा बहुत ही ब्राइट होता है। इसके खूबसूरत फूल होते हैं और गहरे सब्ज पत्ते होते हैं। इस पूरे पौधे पर ही डार्क लाइन होती हैं, जिनसे ये और भी अच्छा लगता है। ये एक इनवेलप की तरह खुला होता है और इसके अंदर एक जूस नुमा मादा भी होता है। मक्खियां इस पौधे के अंदर से ये मीठा जूस पीने के लिए आती हैं और वहीं फंस जाती हैं। इसके फूल पर बाल होते हैं और वो ऐसी डायरेक्शन में होते हैं कि इंसेक्ट सीधी इसके अंदर चल जाती हैं। सबसे अमेजिंग बात यह है कि इसके ऊपर एक कप बना होता है, जिससे बारिश का पानी या शबनम का पानी सीधा इसके अंदर जाता है और इसी से इसके अंदर ये जूस बनता है। एक दफा कोई इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप हो जाती है तो वो इसके जूस के अंदर डूब के मर जाती है और पौधे को मैग्नीशियम प्रोवाइड करती है। ये पौधा वाकई में कमाल का है। बिबलिस। दोस्तों, इस पौधे को हैंडसम बिबलिस भी कहा जाता है। ये पौधा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पौधे को रेमो प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी लुक कलरफुल और बिल्कुल फ्रेश होती है। इसमें सबसे अजीब बात यह है कि इसकी शाखों में जालीनुमा पत्ते होते हैं जो पूरे पौधे पे मौजूद होते हैं। जब भी कोई कीड़ा या फिर
स्मॉल क्रिएचर इसके ऊपर चलते हैं तो ये इसे पकड़ लेता है और जानवर इस ग्लू में फंस जाता है। ये पौधा हर तरह के जानवरों को मारकर इन्हें डाइजेस्ट कर सकता है। ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट्स का मानना है ये इंसान के जिस्म को भी खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इन इलाकों में जहाँ पे पाया जाता है वहाँ पे इसके इन अजीब पत्तों को ग्लू के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। डार्लिंगटोनिया। दोस्तों ये पौधा दुनिया के सबसे रेयर पौधों में एक है। ये अपनी नस्ल का वाहिद पौधा है। इस तरह के प्लांट सिर्फ नॉर्थ कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। इस पौधे की सबसे फेवरेट डिश स्वैप बीज होती हैं। इन्हें यूनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी शक्ल एक कोबरा की तरह होती है। इस पौधे को कोबरा प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि इसकी शेप और वुड बिल्कुल तांप की तरह होती है। ये बाकी पौधों से काफी खतरनाक होता है क्योंकि इंसेक्ट्स ना सिर्फ इसके जग में डूब के मरती हैं, जब भी कोई कीड़ा इस पर आके बैठता है तो ये इसे खींच लेता है। इसके लंबे साइज की वजह से जानदारों का वापस ऊपर आना नामुमकिन होता है। यूट्रिकोलेरिया। दोस्तों ये पौधा खड़े पानी की झीलों में या फिर नदियों के अंदर पाया जाता है। इस पौधे की जड़ें नहीं होती। ये अपने पूरी खुराक जानदारों को खाकर हासिल करता है। इस पौधे का ट्रैप एक बगल की तरह होता है। दोस्तों पानी के ऊपर सिर्फ इसके फूल होते हैं। पानी के अंदर इसकी शाखों के साथ बबल नुमा ट्रैप बने होते हैं। इस बबल में एक एंट्रेंस होती है। जब भी कोई कीड़ा मकोड़ा इसके करीब होता है तो ये बबल खुल जाता है। जैसे ये कीड़ा इसके अंदर जाता है तो बबल बंद हो जाता है और वहीं पे ये खुराक को डाइजेस्ट करना शुरू हो जाता है। निपेंटस। दोस्तों इस अजीब पौधे को ट्रॉपिकल पिक्चर प्लांट भी कहा जाता है। ये ज्यादातर चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के जंगलों में पाया जाता है। इसकी शक्ल एक अजीब सी लुक देती है। इसके अलावा इसे मंकी कप भी कहा जाता है क्योंकि बारिश के मौसम में बंदर इस पौधे से पानी पीते हैं। इसका साइज बहुत बड़ा होता है और ये पौधा ज्यादातर इंसेक्ट्स का ही शिकार करता है, लेकिन इसके अलावा ये मेंढक और छोटे परिंदे भी खाता है। इसके अंदर पानी मौजूद होता है। जब भी कोई जानदार इसके अंदर जाता है तो वो इसके अंदर डूब जाता है क्योंकि बाहर आने के लिए इसे सहारा नहीं मिल पाता क्योंकि इसके अंदर बहुत स्लिपिंग होती है। इसके अलावा अंदर मौजूद पानी बहुत गाढ़ा होता है और इसके अलावा इसमें नेक्टो मौजूद होता है की वजह से वो जानदार दम तोड़ जाता है। जेनलीजिया। दोस्तों ये पौधा नदी नालों और पानी वाली जगहों पे पाया जाता है। ये ज्यादातर अफ्रीका, साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। इस पे पीले रंग के फूल लगते हैं। ये फूल असल में इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और जैसे ही कोई मक्खी वगैरह इसके करीब आती है ये इसे पकड़ लेता है। इस फूल पे ऐसे हार्ड बाल होते हैं जिनसे इंसेक्ट इनसे बाहर नहीं निकल पाती। इस पौधे की जड़ें नहीं होती। ये सिर्फ दो पत्तों पे मुश्तमिल होता है। एक पत्ता जमीन के अंदर होता है और दूसरा पत्ता सतह के ऊपर मौजूद होता है जिसके ऊपर फूल लगता है। खाने के बाद ये जानवर को अपने अंदर ले जाता है और जमीन में मौजूद पत्ते में जाकर पानी के साथ मिलकर ये खुराक डाइजेस्ट हो जाती है। ये पौधा वाकई में बहुत अजीब है। इस बात पे सब्सक्राइब तो बनता ही है। पिंगोक्यूला। दोस्तों ये पौधा अमेरिका, यूरोप और एशिया में पाया जाता है। ये ग्रीन कलर का एक सिंपल से नजर आने वाला प्लांट लगता है, लेकिन इंसेक्ट के लिए ये जानलेवा है। इस पौधे पर एक स्टिकी ग्लू होती है। जब भी कोई इंसेक्ट इस पे आके बैठती है तो वो इसके साथ चिपक जाती है।
ये पौधा इन इंसेक्ट से मिनरल और विटामिन को लेता है। जैसे ही पौधे की जरूरत इस कीड़े से खत्म हो जाती है, ये इसे रिलीज कर देता है और नए शिकार का इंतजार करता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो।